नमस्ते सर। वैसे तो सर मैं आपसे मिलती ही रही हूँ बीच में, लेकिन अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी एक स्कूल में, तो जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे वर्मा जी, उन्होंने सबको बोला, सारे टीचर्स को। बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो रियलाइज कराएं कि टीचर कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक एक्टिविटी कराइए उनको कि अपनी आंखें बंद कीजिए और आप किसी भी टीचर के बारे में सोचिए। मतलब आपको बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन कौन सा टीचर आपको ध्यान आता है? तो मुझे आपका ध्यान आया एकदम से, हालांकि और भी बहुत टीचर्स हैं। तो मुझे तब से ही बड़ा था कि मैं जब भी घर जाऊंगी तो मैं आपसे मिलूंगी। तो उसी सिलसिले में मैं, मतलब बहुत सारी बातें मुझे याद आई अपने 11th 12th के दिन, मतलब जब 85 में मैंने ज्वाइन किया था, हाँ, और 86 में 11th किया, 87 में 12th किया। तो मतलब वो आपका डिसिप्लिन और आपकी क्लास में बच्चे जिस तरीके से, मतलब पूरी 100% प्रेजेंट करते थे और मतलब किसी से भी इतना नहीं डरते थे और वो आपसे इतना डरा करते थे, मतलब वो डिसिप्लिन याद आया और वो पढ़ाई का तरीका भी याद आया। तो अब आपको एजुकेशन का, चूंकि आप इससे जुड़े रहे हैं और अब रिटायर्ड लाइफ भी बिताई है, आजकल भी स्कूल्स को देख रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? लॉट ऑफ डिफरेंस, जैसे डिसिप्लिन पर्टिकुलरली। डिसिप्लिन बिल्कुल जो है जीरो हो चुका है उस जमाने में और आजकल के जमाने में। नहीं तो लेकिन मारते तो आप भी नहीं थे ना? मारा तो आपने भी किसी को? मैंने तो किसी को पीटते हुए नहीं देखा। बच्चों के अंदर ये पढ़ाई का मेरे समझ से कुछ सेंस रहा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल से है ये सबसे चले, इंटरनेट पे देख लेंगे सब। दे डोंट केयर फॉर टीचर्स, जैसा कि मैंने सुना है। ये नहीं, बिल्कुल सही सुना है। इंटर तक के स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर सीबीएसई का सिलेबस मोबाइल पे है, देख लेंगे क्या करना है। मोबाइल पर सिलेबस देखते हैं या मूवी देखते हैं ये वो जानते हैं। तो इससे जो है बहुत फर्क पड़ा है जो है। हाँ, नहीं ये तो मोबाइल को तो खैर मैं भी बहुत बड़ा कारण मानती हूँ, वो बच्चा है या वो पेरेंट्स हैं, इवन टीचर्स भी कह लीजिए। हाँ। टीचर्स भी हो सकता है उतने सिंसियर ना रह पा रहे हों, क्योंकि टीचर्स भी हम लोगों में से ही है। तो आपको पहले बच्चे मिलते रहते होंगे अपने? हाँ, पुराने बच्चे मिलते हैं, अक्सर मिल जाते हैं ये, बल्कि मेरे गाने नहीं कर पाता, धीरे धीरे पैर छूते हैं, बताते हैं तब देखते हैं क्या हम है। मैं तब से ही सोच रही थी पिछले 3-4 महीने से कि जब भी मैं जाऊंगी घर तो आपसे जरूर मिलकर आऊंगी। मैं तो खुद जो टीचर्स हैं ये नए, कभी एक कॉलेज चला जाता हूँ सर, दो बातों में मेन कहता हूँ, एक तो क्लास में कभी भी जाए लो स्टाफ मत कीजिए, आपको पढ़ाने जाना है पढ़ाइए और चले आइए। कोई प्रॉब्लम है उनके, डिफिकल्टी है वो रिमूव कीजिए, उसके अलावा कोई इधर उधर की बात है क्लास में नहीं हो रही थी। दूसरे बैठ के पढ़ाना, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, क्लास में जाते थे हम तो कुर्सी उठाई कोने में रख दी, ब्लैक बोर्ड लिया, बिल्कुल सही बात, चौक लिया, चाहे हिंदी क्लास है आप लोग, चाहे साइंस है, चाहे कुछ भी है, ब्लैक बोर्ड पर खड़े करने, मैक्सिमम ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे। हाँ, चेयर पे बैठ के तो मुझे लगता है बच्चे दिखते भी नहीं है। मैं भी जैसे पिछले 25 सालों से ज्यादा ही हो गया टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं भी आज तक नहीं बैठी। तो सब्जेक्ट ऐसा है कि बैठ नहीं सकते, उसमें तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं, लेकिन वैसे भी सर मतलब लगता है ना, यदि बच्चे दिखेंगे नहीं क्लास में तो आप उनसे कनेक्ट कैसे करेंगे? और उस समय एसएन सिंह सर थे इंग्लिश के, गुप्ता जी केमिस्ट्री वाले, अच्छा कौन से सर? अच्छा अच्छा, और फिजिक्स वाले सर वो अभी हैं, रिटायर हो गए होंगे वो भी, रिटायर हो गए हिंदी वाले भी ऊपर जा चुके थे, बड़े जी जो समस्या आते हैं हिंदी वाले वो भी ऊपर जा चुके हैं। मैथ्स वाले सर किस समय एसेंसिंग सर और एसेंसिंग ऐसे कैसे हैं? अच्छा एंड सच बिल्कुल
वो कहाँ? No difference. वो नोएडा है शायद. नोएडा के पास. अच्छा. वो ऐसे कैसे? ठीक है सर, आपके डिसिप्लिन की बहुत याद आई थी, इसीलिए आपसे मिलने आए थे. असल में टीचिंग जो है ना, एक आर्ट है. एसेंस इन थर्ड क्लास है मैं. लेकिन पढ़ाते पढ़ाते जब आर्ट है. अभी बाद के सालों में जाकर के तो मुझे भूलने वाली बीमारी हो गई थी, अभी भी है. थाना बंद करके आता हूँ, 10 बार देखता हूँ, बंद होने के लिए बाजार में जाता हूँ, मेरे हाथ में कुछ था मेरे चलो, मतलब अजीब जो है, उन्होंने कुछ नहीं था, मैंने लग रहा है कुछ नहीं कहा था. तो ये और लास्ट के दिनों में भी जो है सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा बहुत भूलने लगा था जी. तो उसमें मैंने दूसरी कैरेक्टर बनाई थी. जैसे मैं जा करके शुरू में ही जो है बच्चों नोट्स बहुत जरूरी है, नोट्स पहले देता था लेकिन नोट्स बहुत जरूरी होते हैं. वो जब हम लिखते हैं ना तो प्रैक्टिस हो जाती है. 15-20 मिनट जो है उनको नोट्स दिए, और उसके बाद उन नोट्स लेने में ही जो है बुक से या किससे कंसल्ट कर लिया. उसके बाद फिर उनको जो है लास्ट में जब 10-15 मिनट रह गई जो 30-35 मिनट का पीरियड होता था, जो 15-20 मिनट वो किया लास्ट के 10-15 मिनट, तब तक वो जो है बिल्कुल कंठस्थ हो जाता था, वही टॉपिक जो है ऐसे लिख लिया. अब इसको देखे इस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसको रिवाइज कर दिया, उनका डबल वो हो गया, और मुझे भी जो बोलना था वो याद आ गया, आज भी जो पढ़ाना है. और जो सर थे एसएन सिंह सर, वो तो बल्कि मुझे आज भी याद है, और वो कहा करते थे कि ये जो इंग्लिश है ये भी 100 मार्क्स का है, इसके भी 100 मार्क्स हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चे पढ़ते नहीं थे इंग्लिश और हिंदी, वो बस 2-2 दिन पढ़ते थे. और आज मैं रियलिटी में देखती हूँ जो बच्चे हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेजेस पर कमांड ना होने से बच्चे दिक्कत उठाते हैं. एक अपने टीचर आए थे, आप ही आए होंगे सर, मैं नाम भूल जाता हूँ, नाम तो बहुत भूल जाता हूँ, वो छोटे छोटे थे. अच्छा. वो जो है फर्स्ट क्लास है उससे फिजिक्स का, और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा था, लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं आता. 7th-8th क्लास में उसके जो है मजाक इतनी करते थे बच्चे, क्वेश्चन करने लगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चों टप गया है, कल बताऊँ टप गया सब था, मुझे पता चला मेरे पास आगे बैठता था. मैंने कहा तेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें तो तू एक टॉपिक को 3 दिन तक घुमा सकता है, बोले सर कैसे? मैंने मैथमेटिक्स है, जहाँ तुझे टप गया वहाँ उसमें कहो कि मैथमेटिक्स में था गुना भाग बहुत जरूरी होता है, आता है तुम पे गुना टॉपिक बदल दो. उन्हें ऐसा रहता है, उन्हें कहा ये करके बताइए, फिर भी अगर पीछे बच गए डेसिमल्स का मेरा काम करता है करके बताइए. अच्छा हम कहाँ थे? यहाँ. कल बताऊंगा, यहाँ से शुरू करता हूँ. उन्हें लगेगा नहीं टप गया. तो एक आर्ट होता है. हाँ, नहीं मत, पहले तो टपना नहीं चाहिए, और नहीं तो फिर बच्चों को एंगेज किया जा सकता है. घर जाके प्रिपेयर कीजिए, और कल यहाँ था क्वेश्चन छोड़ा था ये, आगे ये है. हालांकि हम तो नहीं पढ़े उनसे, सरदार सर जो ठीक है सर. ठीक आपने मुझे पढ़ाया था. You have taught me in grade 8, 9, and you were my bio teacher. And you were one of my favorite teacher. Means the way you teach biology hits everybody's mind. आप सैंपल लेके आती थी मछली तो उसके, और आप कहती थी आइडेंटिफाई करो राजीव ये क्या है इसमें, तो बहुत अच्छा लगता था. And students are many, so I cannot recall that much, but it was my habit and still it is my habit. Now I show like my face, but it was amazing, like every day I was coming and you came like Archana Ma'am, Archana Ma'am. Yes. I did not expect like who can be here. Matlab you are one kahin na kahin meri memory mein aap hain.
अभी भी स्टिल कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बायो टीचर थी, इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देती थी चीज़ों की, मतलब ऐसा अभी तक ऐसा बायो टीचर मैंने देखी थी सच में. एक्चुअली अभी ना हमने एक सेशन किया था, जैसे वर्कशॉप करते हैं बच्चों की, तो टीचर्स की भी वर्कशॉप करते हैं, तो एक हमने वर्कशॉप की एक स्कूल में टीचर्स की, तो जो हमारे सोर्स पर्सन थे हमारे वर्मा जी, उन्होंने बोला सबको कि यू क्लोज योर आइज जस्ट टू बिगिन विद, जस्ट टू कनेक्ट. सबने आँखें बंद की, हमने भी की क्योंकि हम भी तब अटेंड कर रहे थे. उन्होंने बोला अपने टीचर्स को, मतलब जो भी बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, 50-55 आपकी पढ़ाई है, तो अपने उस टीचर को रिकॉल करो, मतलब आपकी मेमोरी में कौन आता है, और फिर उनको सबको शेयर करना था. तो मुझे भी करना था. फिर मुझे जो टीचर याद आए वो 3-4 महीने की पहले की बात है, तो वो मेरे बायोलॉजी टीचर थे 11th-12th के. अब यस्टरडे आई मेट और आई वेंट टू टेल हिम दिस थिंग. उनका भी मतलब बहुत अच्छा था पढ़ाने का तरीका, डिसिप्लिन. लेकिन आपके जैसा बायो टीचर नहीं मिला अभी तक. लेकिन मेमोरीज अभी तक हैं आपकी, मतलब दैट वाज माय, दैट टाइम आई वाज प्रेशर बिकॉज़ बिगनिंग ईयर. आपके बाद एक अमन मैम भी आई थी पढ़ाने बायो, कि हमें ऐसा लगा वी वर मिसिंग यू, वी ऑल स्टूडेंट्स वर मिसिंग यू, कैसा मैम काश होगी दोबारा. इट इज ग्रेट फॉर मी जर्नी वन हैज टू गो. And who all were your like batchmates? Nitika Khandelwal. Achha, well, so she's become IAS now? IAS officer, yes. Hmm. And Akash, Amit Chauhan. Amit Chauhan. Tapas Sharma. Now, how I can ask that? Yes. So I will just ask you to look. There were two sections, huh? There were two sections of another section. Manuswell? Your batchmate? No, Manuswell was famous. Achha, he was famous. So Manuswell, when he was in class 8, he was in 7. It can be. Because as a teacher, it's like this. It's very nice. Actually, I told you I started my own organization, Kanak Foundation. So I went to Oxford School. Okay. Swati Joshi, she is my student. Here, DPS Jyotsana, she is my friend. DPS Jyotsana. Jyotsana has taught me bio. हाँ, तो she is my colleague. हमने बहुत copy check की है board के साथ. फिर जब इधर से आ रही थी तो confluence भी. Correct. I could not stop myself. And my kids, they are in Sri Ram there. Okay. Delhi. Haryana, Rohtak. तो एक होता है ना longingness. So that's why I came inside.